पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, या गलत कर दिया ने वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मणे माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहां ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द है, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहां सच ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है। तो यहां इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया, इस ब्रह्मणे शब्द है ब्रह्मणे मुखे एवं विभुविदा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञा माने धार्मिक अनुष्ठान वितीता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहां देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है गीता ज्ञान दाता ने, उस ज्ञान को वो तत्व ज्ञान है जो सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञान दाता कहता है सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा सार्वजनिक है, तत् और सत सांकेतिक इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया, वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी भांति जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपुनात्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है। ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठी करने में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता, ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने ये 16/8/2009 को। ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था, इन्होंने हमारे को। ये पत्र प्राप्त किया प्रेमचंद्र उपाध्याय प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था। तो पुण्यात्मा, एक भक्त जो वहां गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे, तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य, उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहां के व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा, ये है वर्तोत्सव प्रो निर्णायक पत्रिका, ये उन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना, गोमाता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर, ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम हिमालय श्री कृष्ण बोध धाम सात शंकराचार्य मार्ग सिविल लाइन दिल्ली चम्बन से, यह यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा, समाचार पत्र पंजीकृत धर्म सम्राट, ये नाम कोई है इनका, जगत गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर
अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, बद्री का आश्रम, हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार अब न्यो कह है, वो वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को राय दिया और पूजा इन किया है, ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद भगवत गीता जी के अंदर मना किया है, साथ में जाए कि 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे, और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में, पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और भक्ति या फिर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं, हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, वो परमपिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम, बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कठोर है वो नर ना ही पाषाण, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार, राम रटत कोडी भला चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का जामुख नाही नाम, राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान, राम रटत कन्या बली साकेट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत, हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो ये झूठा सुख है, ये अस्थाई है, आप जी को यहां रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने, अपने तीनों पुत्रों को
ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है। यहां बैठों को इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत तीन लोक आते हैं, ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों में प्राणी हैं और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर हैं, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन तीन लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं, इनकी इतनी रेंज है वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है, जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया। अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो से इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर आपको यहां रोक रखा है। अपने आत्माओं, आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती, वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता, जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक डेढ़ दो वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है, तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है,
शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है, उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहां से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्माओं, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जानकर अपना हितैषी मानकर उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कई जो कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गायें बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं, कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे लेता है बकरों को, हाथ लगाकर देखता है जगह जगह से, वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मास्टर्ड गैस का ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं, बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टिमेट लगा लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुरा का पैन पोसा का यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराक का और पैर पोसा का या यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके छह सदस्य यानी टोटल कुल के कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुड्ढा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविजन के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को कोठियों को संपत्ति को बनाने में सारा जीवन नौछावर कर दिया,
उन्हीं कोठियों के नीचे दबके पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल ने आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखे, इन तीनों गुणों का तीन इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली, तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं किया करते थे, उनकी क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात नोट कर आई थी, पांच लड़कियां थी जिनमें से तीन का विवाह इकट्ठा ही था, तीन बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती, कभी उधर सोचा ये करूंगा वो करूंगा, चिंता ये बनाई रखी है हमारे साथ, इसने लगाई रखा है, बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर बात नोत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है, तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी हैं। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतजार कर रही थी, और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसके तीन बेटियों का ब्याह हो, जो अनुपदेशी है, हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे, ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें, बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है, बाद में जो ड्रामाबाजी नाचा कूदी डीजे बजाना फंड करना, ये कोरी बकवाद है, ये इस विवाह के समय में इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, कोई घूटी ला रहा है, कोई नाचे कूद है, ये कोई बात हुई, ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग होया, कोई अकल हुई, लाड्डू कोई खावे और कूद कोई, बता कोई बात है यार। तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे हैं, ये भी हटाना, हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा, भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहां ऐसे करूंगी ऐसा करूंगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी सो चिंताएं होती है, वहां पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर, एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट करनी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे, ड्राइवर ने सोची तू लाग फटाफट बस को, उसने बस बैक करी, वह ज्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वह पीछे जाकर, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती पा कर लगी बस पाछे तर, पीछे पिलर का सहारा खड़ी है थी, वह वहीं पर आध घंटे में तड़फ कर मर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो एक सेकंड का चैन नहीं था, अब वो कहां गई। तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहां से जाने का समय याद नहीं रहेगा, हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा पढ़ा,
उसमें क्या लिखा था कि विवाह था और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में। और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में, जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे। यहां पर कहते हैं नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विद डल जा पासावे, और जिन्हा ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते, ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने यहां क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में, यहां की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मान नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे किस विद ढल जा पासावे, और जिन आते सिरते मौत खुड़क दी उनानों केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो। तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूं साध मिले साढ़ साधी होंगी, विछड़ जा दिलगीरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त मेरी साध संगत यहां आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता, वो हमारे साधी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहां से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं है, एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती, उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़ा साधी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहां से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है।
वो भक्ति बाधक हैं, इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता ढोकणी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, है इन्हें तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, एक वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताओं का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया, 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं? या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है, यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, या तो भगवान के गुणगान की आवश्यकता है, और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं, ये दास सत्संग करने जाया करता था तो वहां ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता वहां पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लग्या एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा समझाने की चेष्टा की, नहीं माना, क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर के जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था भगवान की, युवा शरीर था। काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया, खान पीन की उम्र है और अभी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, इन्हों के घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें, वृद्धावस्था हो जा तो उसको बता पे बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई थे, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कभी पिंडी भड़के, कभी शर्मा दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कभी कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लग्या करें, और कदे खांसी सतावे, कदे और 100-100 समस्याएं हो जाती है, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जा, बोलन लाग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए, जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है, माता पिता ने दीक्षा ले ली मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस सत्र के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहां वाद विवाद करे था वो उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु भी कैसे होगी
कैसे हुई? बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था, कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला गया कुएं का, और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वही नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और ज्यादा कम से कम 5 फुट नीचे उसने ध्यान किया नहीं। वो नीचे जाए तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया। उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर हो गई और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहां गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी वो, उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ दूं, नो निशान थे, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी, रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, न चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। बचानिए को याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे, अठा के बार ले आवे, उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीरा बाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहां बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, हे माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर, तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है वहां आश्रम, और भी कई आश्रम है, बोगा के अंदर एक, खन्ना में भी था एक, नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे, तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए, उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहां कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई, वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे सी। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना, जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे वह
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? रेशमा सर मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2013-15 मई को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हमने बहुत भक्ति की जी, देवी देवते नैना देवी गए, जैसे त्रिलोक पर गए, एक त्रिलोक पर वाली का मंदिर यहाँ मेघे माजरा बने हुआ, सबको यहाँ पर, यहाँ गुग्गा मैड़ी बागड़ में भी गए जी, और जो कुल के ने पितर पूजा पीर फकीर हम सबको दोखते थे जी, मानते थे। फिर हमने गुरमीत राम रहीम से ली दीक्षा, भी कोई सुख मिलेगा उनसे नाम दीक्षा लेने थे, राम रहीम से कोई सुख नहीं मिला, दुख ही मिले जी सुख की वजह हमको। 97 से लेकर 15 मई तक हमने मान लिया 2013 तक राम रहीम की भक्ति करी और उससे हमको कोई लाभ नहीं मिला जी। फिर आप संत गुरमीत राम रहीम जी के शरण में रहे 16 साल, फिर अचानक आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन हम सत्संग टीवी ऑन किया तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था जी। मेरे पे काल ने इतना जोर पैर खा था भी, मेरे को इस नीच आत्मा बहुत कुछ कह दे कराती, क्यों परमात्मा के बारे में आस्था टूट चुकी थी भी, कोई परमात्मा है नहीं दुनिया में। मैं कहती थी परमात्मा है तो मेरे बच्चे को ठीक कर देगा, मैं उसी चीज़ को परमात्मा मान लूँगी। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगे टीवी के ऊपर, तो जो मेरा बच्चा बीमार था उसने रात के 11 बजे छाती में हाथ मार के कहा, मम्मी मेरे को बरवाड़ा ले चलो और मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। फिर हम उस बच्चे के कहने से सुबह एक भगत, गुलाब जी भगत है गोरखपुर के अंदर, तो उस भगत के पास गए सुबह उठ के, भगत जी हमें बरवाड़ा ले चलो। भगत जी तैयार हो गए, हम 12 वाली बस से बरवाड़ा चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में। हमने नाम दीक्षा, मेरे पति ने और मैंने नाम दीक्षा ली, उस बच्चे को भी साथ में ले गए, क्योंकि वो बच्चे का फार्म तो भर दिया उसने, उसकी बुद्धि बच्चों जैसी है, वो पूरे मंत्र बोल नहीं सका। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, तो भक्ति तो हमने की, परमात्मा ने इतनी दया करी उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे का इतना बड़ा कष्ट था, भूत प्रेत 10 बंदे भी उसको रोकना चाहते, उसको बांध के रखते दो चुनिया से पैरों के तरफ से, दो चुनिया छाती में बांध के साइड में और दो चुनिया हाथ में ऊपर सराहने की तरफ बांधते थे, फिर भी हमारे को इतना राक्षस बन जाता था वो बच्चा, हमें को पड़े पड़े को खाने की कोशिश करता, चूंटिए बुड़ के बाढ़ पार देता हमारे, तो उसको किसी ने भी ठीक नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से वो बच्चा आज भी बिल्कुल ठीक है मेरे गांव के अंदर। मेरा फ़ोन नंबर है 96714-30914, कोई भी मेरे पड़ोसी से भी पूछ सकता है, ये प्रूफ है, सारा गांव कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये तो पक्का तजर्बा दिया है। हम कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज तो सबको तजर्बा देते हैं, कोई भी भक्त आत्मा उसकी शरण में चली जाए वो सबको ही ऐसे ही ठीक करते हैं। माता जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की भक्ति करते थे, तीर्थ व्रत भी करते थे, नैना देवी भी गए आप, संत गुरमीत राम रहीम के शरण में भी रहे आप, ये भक्ति करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो क्या था भगत जी, सर जी हम इतनी उस आस्था पे आ गए थे कि मेरे घर में 3 टाइम का खाना भी नहीं बन पाता था, मेरे बच्चे भूखे रहते थे, उसके जो मेरा बच्चा ठीक हुआ उसके दुख की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, ये संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी उस बच्चे का कष्ट बिल्कुल ठीक कर दिया। और एक मैं भी बहुत बीमार थी, 8 साल का मेरा टाइफाइड बिगड़ा हुआ था, डॉक्टरों ने मैं करनाल तक घूम ली थी, ये शाहबाद भी जेली थी, जहाँ से सभी डॉक्टर मैंने दवाई खा के सब थक चुकी थी, बस मेरी आत्मा रोती थी परमात्मा तो कहीं है तो मेरे को क्यों नहीं मिलता, मेरी आत्मा इतनी रोती थी बहुत ज़्यादा, परमात्मा तो कहाँ से मिलेगा मेरे को।
परमात्मा फिर मेरे को बरवाड़े में मिला, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बरवाड़ा आश्रम में मिले और परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी। परमात्मा की दया इतनी है, मेरे घर में भी बहुत लाभ हुए, नाम लिए हुए मेरे को 6 दिन हुए थे। रास्ते से मैं साइकिल के ऊपर आ रही थी तो पीछे थे एक मोटरसाइकिल वाले ने ऐसे पता नहीं कैसे, परमात्मा जाने भी किस तरह से, आगे मेरा बच्चा बैठा हुआ था, मेरा पति साइकिल चला रहा था, साइकिल के पीछे से जैसे उठा करके किसी ने सड़क के ऊपर रख दी। मेरे सिर भी फटा हुआ था, मेरी बाजू पे यहाँ हड्डी निकल आई थी, इतना गहरा जख्म हो गया था और मेरी कमर पे भी चोट लग गई थी। आस पड़ोस के कहने लगे भी इन्होंने तो देवी देवते छोड़ दिए, इस वजह से ये हो गया। पर हम परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को जीवन दान, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया। मैं परमात्मा का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो मेरे को यो है, सच्ची भक्ति परमात्मा ने दी। दूसरा लाभ मेरा ये है, नाम लिए को मेरे को 6ठा दिन ही था कि मेरे को जीवन दान मिला। और तो परमात्मा के लाभ गुणवाने लग जाऊँ तो मेरी जबान थक जाएगी, फिर भी मैं जो परमात्मा ने मोटे मोटे से भी जो मैं लाभ गुणवाती हूँ कि मेरे घर में 15 साल मकान बने को हो गया था, मैं प्लस्तर नहीं करवा सकूँ थी। पहले मेरा प्लस्तर को हुआ मकान ना का, फिर मेरे को फ्रिज भी दिवाया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, मेरे को दीवान बेड दिवाए, मेरे को मोटरसाइकिल भी दिवाई, नहीं तो मेरी औकात इतनी थी। मैं टूटे साइकिल के ऊपर मेरे गांव वाले मेरी हंसी लगाते थे, मैं 4 बच्चे और मेरा पति, अरे हम 6 जने एक टूटी साइकिल के ऊपर रिश्तेदारी में जाते थे, कोई काम में मेहनत मजदूरी करते थे, जब भी हम टूटी साइकिल पे जाते थे मेरे गांव वाले आस पड़ोसी सब मेरी हंसी लगाते थे। अब मेरे को कहते हैं रामपाल तो बहुत दया करे तुम्हारे पास, मैं कहा परमात्मा तो संत रामपाल जी महाराज तो जो उसकी शरण में चला जाए तो सबके ऊपर ऐसे ही दया करते हैं। तो आज मेरा बच्चा जो बच्चों वाली बुद्धि थी वो परमात्मा के गुणगान करता है, जो रिश्तेदार आते हैं उनको कहता है मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ, तुम भी रामपाल की शरण में आओ, और रिश्तेदार उसके मुँह को नहीं देखते रहते हैं। फिर मेरा एक छोटा लड़का गुरदीप दास, उसको पिछले साल अप्रैल में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसका दिमाग ऐसा हो गया, 17-18 साल का बच्चा है भी बच्चों जैसा, सभी पड़ोसियों ने पता, सारे गाँव वाले ने पता, तो संत रामपाल जी महाराज के जल प्रसाद से मैंने अम्बाला सरकारी हॉस्पिटल से, झांसी हॉस्पिटल से दिमाग वाले डॉक्टरों से दवाई करवाई। वो दवाई फिर जब मैंने फेंक दी कूड़े के अंदर, परमात्मा से अरदास लाई, ये परमात्मा बंदी छोड़ तो सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो ही डॉक्टर है, तो ही ठीक कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज का जल प्रसाद देने से आज वो बच्चा काम सीख रहा करनाल उचाणा के अंदर दुकान के ऊपर बैठा है, और नहीं तो ऐसा हालात हो गई थी, हे परमात्मा हम क्या करें, 2 बच्चे 2 ही ऐसे हो गए। उसकी गुरदीप की गर्दन में एक बड़ी सारी गांठ थी, डॉक्टर बोलते थे इसका कैंसर बन सकता है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से वो गर्दन की गांठ पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा बेटा शीशपाल 24 साल का है, 22 साल से उसको भूत प्रेत की बाधा थी, हम सभी देवी देवते सबके पास गए तांत्रिक, और ससियाणा गांव में मुसलमान है कोई, कोई किसी ने कहा कि वहाँ ले चलो इसको तो झाड़ा लगाने से ठीक हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बोला कि इधर पंजाब में जरौर गांव है वहाँ झाड़ा लगवा लो, वहाँ भी गए हम, देवी देवते जितने भी हैं सबके पास गए, और राम रहीम से भी नाम लिया परमात्मा समझ के भी, क्या पता हमारा बेटा ठीक हो जाए, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उसको एकदम सब भूत प्रेत की बाधा एकदम ठीक होगी। फिर उसको एक बाबा शरीर की बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज के जल अमृत से ठीक हो गई। उसको मिर्गी का दौरा ऐसा पड़ता था कि वो 4-4 दिन उठ नहीं सकता था, मुंह से जगूड़, गर्दन टेढ़ी, हाथ पैर भींगे हो जाते थे और आंख ऐसे खड़ी हो जाती थी, वो परमात्मा की जल अमृत से ही ठीक उस हो गया, उसकी सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज ने, आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरी बड़ी लड़की पिंकी देविया, उसके सिर में इतनी जोर का दर्द होता था कि उसको झांसा डॉक्टर के पास भी ले जाना बड़ी मुश्किल हो जाता था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा
लेने के बाद आशीर्वाद मात्र ही उसका सब सिर का दर्द आज गायब हो गया। और पेपरों में कंपार्टमेंट आती किसकी, कहने लगी भी मेरे गुरुजी कंपार्टमेंट मेरी तोड़ देंगे, मैं परमात्मा की शरण में चलूंगी। गुरुजी ने ऐसी दया करी उसकी, कंपार्टमेंट भी टूट गई, पेपर में प्लस टू के पेपर में और दसवीं के पेपर में पास हो गई। और फिर छोटी लड़की मेरी रिम्पी देविया, उसके पैर का अंगूठा इतना गड़ा हुआ था, शायद संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना होते तो वो अंगूठा कटवाना ही पड़ता। तो उसने लड़की ने नाम ले रखा था, उसके मामा बोले भी तुम तो जानते नहीं इसका झाड़ा लगवा, मैं लगवा के लाऊं। मैं कह भी हम तो झाड़े वाले के पास जाते नहीं, तो नहीं झाड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लड़की बोली भी मैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लूँ जब मेरा अंगूठा ठीक हो जाए। परमात्मा ने इतनी दया करी, आश्रम में गई बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अंगूठा गड़ा हुआ अंगूठा रात रात में परमात्मा ने ठीक कर दिया। ये प्रमाण है, कोई भी पूछ सकता है हमारे घर के नंबर पर फोन करके 9674309914 नंबर पे। ये सारे प्रूफ, मेरे दोनों बेटे ठीक हुए, मेरी दोनों लड़कियां ठीक हुई, घर की जो आर्थिक स्थिति थी इतनी हुआ थी कमज़ोर कि मैं तीन टाइम का खाना भी अपने घर में बनाती थी, तीन तीन बार एक टाइम का खाना बनाने के लिए सोचती थी कहाँ से सब्जी लाऊँ कहाँ से दूध लाऊँ, मेरे बच्चे कई बार भूखे भी रह जाते थे। संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे ऊपर इतनी दया कर रखी, मेरा दीरी का कुठला भरा पड़ा, कोई भी जाके देख सकता है, मैं कण का मेरा कुठला भरा पड़ा घर में, मैंने कोई तंगी नहीं, परमात्मा ने इतनी दया कर रखी और मैं उसमें से बेचती भी और खानी खाऊँ भी बहुत और देऊँ भी दान भी देऊँ उस माते भी, जिस तरह किसी पर रिश्तेदारी में बहुत पहुँचाऊँ। और जब राम रहीम से ले रखा था मैंने नाम, उस टाइम मेरे को आटा भी मोल जाना पड़ता था बहुत ही तंगी से, और चावल वगैरह भी सब कुछ इतनी सोचूं थी भी मैं कहाँ से लाऊं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, कहाँ से ला के खिलाऊं। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, आज मेरे को ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट घर में, ना कोई घर में कोई कमी परमात्मा ने रखी, सब परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है आज मेरे घर में। माता जी, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो खीर बनाई जाती थी, वो खीर बनाने से पहले संत रामपाल जी महाराज उस दूध से नहाते थे, फिर खीर बनाई जाती थी, फिर संगत में प्रसाद रूप में बांटी जाती थी, ये बात कहाँ तक सही है? ये सब झूठ है मीडिया वाले, ये सरकार जो आचार्य सब ने गुरु अपनी दुकानें बंद करने की, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, ने सब झूठे आरोप लगा रखे, भक्तों के साथ भी बहुत अत्याचार करती है सरकार, वहाँ जाते हैं हिसार में, ये सब झूठ है, संत रामपाल जी के वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। माता जी, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरियाणा वाले से ये प्रार्थना करती हूँ कि सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि बरवाड़े में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ही महाराज हैं, क्योंकि जितने धक्के मैंने खाए और गुरुओं के पास देवी देवताओं के पास, तो और अब भक्त समाज ना खाए, परमात्मा को पहचानो और परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।